नसरीन है चेन्नई से। जी नसरीन, हेलो कैसी हैं आप? हेलो, जी बोलिए नसरीन। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। मंजीत बीपी है, जी बताएं बीपी है नसरीन। सब। मेरा बीपी शुगर आना वाला है, तो डॉक्टर बोलता शुगर को ऐसा कंट्रोल करना है, या तो पूछ रहे शुगर बीपी है को आपको? कैसा। आपको हाँ, बीपी का मात्रा एक खाती हूँ। और कुछ कह रही हैं? शुगर भी शुगर है, आना वाला है उसको तो कैसे अच्छा, कंट्रोल करना है। ठीक है ठीक है ठीक है। देखिए बहुत आसान है, जो भी आप दवा खा रहे हैं बीपी की हो या शुगर की हो उसको खाते रहना है। और जैतून का सिरका ले लीजिए 1 लीटर, और उसमें आधा किलो भी जो आपका लहसुन है इसका किसी तरह जूस निकाल कर या उसमें किसी भी तरह मिक्स कर दीजिए, तो ये 1 लीटर जूस 1.5 लीटर हो जाएगा जैतून का सिरका। और इसके 3 चम्मच सुबह, 3 चम्मच शाम, 4-4 चम्मच भी पी सकते हैं। इससे आपकी शुगर भी कंट्रोल रहेगी और कोलेस्ट्रॉल कम होगा, बीपी कम होगा, अगर चर्बी बहुत ज़्यादा है खून में उसको कम करेगा ये। और अगर कहीं ब्लॉकेज हो गया आपका, हार्ट ब्लॉकेज जिसे कहते हैं, दिल की रगों में चर्बी भर जाती है उसको हार्ट ब्लॉकेज कहते हैं, तो वो भी खोलेगा। लेकिन 3-4 महीने लगातार पिए, और जो दवा आप लेते हैं वो भी लेते रहें, आप देखेंगे कि पहले दिन से जब से आप लेना शुरू किया और अगले दिन या उससे अगले दिन आप अपनी डायबिटीज़ चेक करेंगे तो तकरीबन 40% कम मिलेगी आपको उस डायबिटीज़ से जो आपकी रोज़ाना रिजल्ट आता था, उससे 30-40% कम आपको मिलेगी। तो इससे और भी बहुत सारे फ़ायदे होंगे, और ये इससे एक फ़ायदा ये भी होगा कि आपके किडनी में कोई मर्ज़ नहीं होने देगी। जो आप लगातार जो लोग दवाइयाँ खाते हैं उनको कहीं ना कहीं किडनी मुतासिर हो जाती है, या मेन पार्ट्स ऑफ बॉडी के लीवर मुतासिर हो जाएगा, पेट, आते, कोई भी चीज़ मुतासिर हो जाती है। तो ये जो मैंने आपको नुस्खा बताया, ख़ास तौर पर जैतून का सिरका, तो ये किसी भी आज़ाए रईसा को यानी मेन पार्ट्स ऑफ बॉडी को, ख़ास तौर पर किडनी को और लीवर को बिल्कुल डैमेज नहीं होने देगा। उसको ऐसे मांझ कर अच्छा करेगा जैसे हम किसी गंदे बर्तन को जूने से मांझ कर और जब धोते हैं तो कैसे चमकने लगता है, तो ऐसे आपकी किडनी का ख्याल रखेगा। और बहुत सारे फ़ायदे आपको होंगे, ये आप शुरू करिए, मुझे उम्मीद है आपको फ़ायदा मुमकिन है।